रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन ग्रामी, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है और ऊँट सांप खाने के बाद क्यों रोता है और इसके अलावा दिलचस्प और हैरान कर देने वाले हकैक सुनते हैं। मगर इससे पहले आपसे हसबे मामूल गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली दिलचस्प वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। तो नाज़रीन ग्रामी, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इनकी दो किस्में होती हैं, एक ऊँट वो है जिसकी एक कुहान होती है और दूसरा ऊँट वो है जिसकी दो कुहानें होती हैं। माहिरीन हिवानात लिखते हैं कि ऊँट एक ऐसा जानवर है जो कि 10 से 15 दिन तक बगैर खाने पीने के रह सकता है। ऊँट में फर्मा बरदारी, वफादारी और इताअत कमाल दर्जे की पाई जाती है। अगर कोई बच्चा भी इसे पकड़ ले फिर जहां चाहे इसे ले जाए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि हर ऊँट की कुहान पर एक शैतान सवार होता है, लिहाजा जब तुम इसकी सवारी करो, इस पर बैठो तो अल्लाह ताला का नाम ले लिया करो। ऊँट की आँखों में अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने गैर मामूली ताकत और अजीब किस्म की ये सलाहियत रखी है कि जब सहरा में तूफान आ जाए तो इनको सब चीज़ें यानी रास्ता वगैरह साफ दिखाई देता है, क्योंकि इनकी पलकें शफाफ होती हैं। अगर ये आंखें बंद भी कर लें फिर भी देख लेते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल कुरान पाक में फरमाता है, आफ़ला यंज़ुरूना इलल इबली कैफ़ा खुलिकत, क्या वो लोग ऊँट को नहीं देखते किस तरह अजीबोगरीब पैदा किया गया है। तो नाज़रीन किराम, हज़रत जाबर बिन समरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ़त किया, क्या हम बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू कर लें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो कर लो, अगर ना चाहो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर पूछा गया, अगर ऊँट का गोश्त हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फिर फरमाया, हाँ, इसके खाने के बाद वज़ू ज़रूर करो। तो नाज़रीन, अब यहाँ वज़ू करने से मुराद हाथ और मुँह का धोना है, लेकिन कुछ उलमा लिखते हैं कि यहाँ वज़ू से मुराद मुकम्मल वज़ू होगा। तो नाज़रीन, ऊँट को किस वजह से सांप खाता है और फिर रोता क्यों है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तमाम ऊँटों को एक बीमारी होती है जिसे हयाम कहा जाता है। इस बीमारी का सिर्फ इलाज यही है कि ऊँट को सांप खिलाया जाए और वो भी जिंदा हो और मुर्दा ना हो। ऊँट को इस बीमारी में जब सांप खिलाया जाता है तो उसके जहर की वजह से ऊँट की आँखों में आंसू आ जाते हैं और ये आंसू कम नहीं बल्कि ज़्यादा मकदार में बहते रहते हैं। फिर ऊँट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाया जाता है, लेकिन फिर भी उनकी ये तकलीफ जल्दी से ख़त्म नहीं होती, कम नहीं होती, इसलिए मुसलसल ऊँट की आँखों में आंसू जारी रहते हैं। फिर ये ऊँट के आंसू बहुत कीमती होते हैं, इन आंसुओं को चमड़े की एक बंद थैली में जमा किया जाता है, फिर ये आंसू डसे हुए सांप के जहर को ख़त्म करने के लिए काम में आते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में कारामद होते हैं। ऊँट में वज़न उठाने की सलाहियत सबसे ज़्यादा पाई जाती है, हत्ता के घोड़े और हाथी से भी ज़्यादा वज़न उठा लेता है। ख्वाब में अगर कोई ऊँट देखे तो इसके मुतलक अलामा इब्ने सरीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ऊँट का देखना सफ़र करने की दलील है, और अगर यह देखे कि ऊँट पीछे दौड़ रहा है तो गम और परेशानी की दलील है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर ऊँट को गज़बनाक देखे तो उसकी दलील यह है कि कोई बड़ा आदमी उस पर कब्ज़ा करेगा, गलबा रखेगा। अगर देखे कि ऊँट के साथ लड़ाई और झगड़ा करता है तो इसमें अलामत यह है कोई गैर अजमी या अजनबी शख्स से अदावत और दुश्मनी की दलील है।